एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एनबीटी टेकेट के सरकारी नौकरी वाले सेगमेंट में। तो राजस्थान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना, इसने ना स्पोर्ट्स कोटे के तहत बम्पर भर्ती निकाल दी है और इस भर्ती के जरिए ना इनकम टैक्स असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जैसे पदों को भरा जाना है। और सबसे अच्छी बात तो ये है ना कि अगर आप इन पदों पर सिलेक्ट हो जाते हैं ना तो आपको 1,42,000 से भी ज़्यादा सैलरी मिल सकती है। सो किस पद के लिए कौन सी योग्यता ज़रूरी है, कौन से उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही आप कब तक अप्लाई कर पाएंगे, ये सारी डिटेल इस वीडियो में बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको इस डिपार्टमेंट का हिस्सा बनना है या फिर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, बीच में एंड तक देखना है ताकि कोई भी वैकेंसी की जो इम्पोर्टेंट डिटेल है ना वो आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको टू द पॉइंट बातें बता देते हैं। तो अगर आप राजस्थान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस भर्ती का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, एक वेबसाइट दी हुई है, आपको सिर्फ वहां पर जाना होगा और वहां जाकर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना होगा। वेबसाइट है www.incometaxrajasthan.gov.in। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, www.incometaxrajasthan.gov.in। यही वह वेबसाइट है जहाँ पर आपको 16 जनवरी तक अप्लाई करना है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। और इस बात का भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कोई भी ऑफलाइन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, आपको वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म ही भरना होगा अगर आपको इस भर्ती का हिस्सा बनना है तो। ठीक है, तो अब ना मैं आपको हर पद के लिए योग्यता बता देती हूँ, क्योंकि पद अलग अलग है तो जाहिर सी बात है कि जो क्वालिफिकेशन की डिटेल है ना वो भी हर पद के लिए अलग होगी। तो अगर आप MTS पोस्ट के लिए यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो याद रखिए, एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपके पास 10th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहीं अगर आप स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फॉर्म भरते वक्त आपके पास 12th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद अगर आप टैक्स इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो दोनों ही पदों के लिए जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता यानी कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन रखी गई है। अगर आप मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट हैं तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी हम आपको तो यही सलाह देंगे ना कि एक बार अप्लाई करने से पहले ना नोटिफिकेशन से गो थ्रू जरूर हो जाइए, ताकि अगर इसके अलावा कुछ भी प्रॉब्लम आपके सामने आती है, कोई कंफ्यूजन रहती है तो आपके सारे सवालों के आंसर आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। ठीक है, अगर बात हम उम्र सीमा के करते हैं तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल होनी जरूरी है। अगर इससे कम या फिर इससे ज्यादा आपकी एज होती है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगेन मैं आपको बोलूंगी कि अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। और इस फॉर्म की ना खास बात ये भी है कि आपको फॉर्म भरते वक्त जब आप वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरेंगे ना तो आपको कोई भी फीस नहीं देनी होगी, बस टाइम से पहले पहले यानी कि 16 जनवरी से पहले पहले आपको अपना फॉर्म भरना होगा और फॉर्म भरकर सबमिट कर देना होगा। बिना फीस दिए आपकी जो ये वैकेंसी की प्रक्रिया है ना उसका पहला चरण यानी कि फॉर्म वाला चरण कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब आप कहेंगे कि भाई हमने तो फॉर्म भी भर दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास, हम एलिजिबल भी हैं, अब ये तो बता दो कि भाई सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन ना बहुत ईजी होने वाला है, क्योंकि आपको सबसे पहले एक रिटर्न एग्जाम देना होगा। रिटर्न एग्जाम के बाद आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और फिर आपको बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए। यानी कि तीन ऐसे चरण हैं जिसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी और आपके घर तक पहुंच जाएगा आपका जॉइनिंग लेटर, यानी कि आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। अब आपको ना इस भर्ती के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में बता देते हैं, यानी कि सैलरी के बारे में। तो अगर आप इंस्पेक्टर पदों पर सेलेक्ट हो जाते हैं यानी कि टैक्स इंस्पेक्टर पदों पर सेलेक्ट हो जाते हैं तो पर मंथ 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये तक की सैलरी मिल सकती है। वहीं टैक्स असिस्टेंट अगर आप बन जाते हैं तो 25,500 रुपये से 81,100 रुपये और स्टेनोग्राफर के रूप में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो भी आपको 25,500 रुपये से 81,100 रुपये प्रति माह मिल सकते हैं। वहीं अगर आप 10th पास वाली जॉब यानी कि MTS के रूप में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको पर मंथ 18,000 रुपये से 56,900 रुपये तक की सैलरी मिल सकती है।
यानी कि सिर्फ मौका ही बहुत अच्छा नहीं है बल्कि सैलरी और जो एक रुतबा है समाज में वो भी बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो मुझे लगता है इस वीडियो ने आपकी मदद ज़रूर की होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं और साथ ही हमारा ये वीडियोस आपको कैसे मदद कर रही है आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। अगर कोई सुझाव है, कोई सवाल है या फिर आपके मन में कोई भी शंका है तो आप निसंकोच हम तक रीच आउट कर सकते हैं और हमसे जानकारी साझा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे ऐसी ही एक जानकारी भरी, ऐसी ही एक नौकरी वाली वीडियो के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू NBT Tech।